बच्चों एबीएस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनरावृत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन दशरथ प्रादर्शक की तरफ से। देखिए, बात करेंगे हम लोग एक संयोजी एकल परमाणु घनायन और त्रिसंयोजी बहुपरमाणु घनायन आपका। ये आपका एक बताया कौन कौन सा होता है फर्स्ट पेज। अच्छा, वही एक संयोजी था आपका सोडियम पोटेशियम सिल्वर। बनाइए सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का प्रतीक क्या है बेटा? Na, फॉस्फेट PO4 +1 -3 क्या बना? Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। ऐसे देख सकते हैं आप पोटेशियम फॉस्फेट सिल्वर फॉस्फेट। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, बाकी एग्जाम्पल आप खुद घर पे दिया करो, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए बेटा, संयोजी ठीक है, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम जिंक मैग्नीज क्यूप्रास फेरस और लेड फॉस्फेट से बनाना है इसका। तो एक ले लीजिए बेरियम फॉस्फेट, कितनी लीजिए फॉस्फेट का भाई? PO4 Na+2 इसकी -3 इंटरचेंज कर देंगे, पीए पर आ गई कितनी 3, PO4 वैलेंसी 2 है, कॉमन करेंगे कोष्ठक में Na3 PO4 का होल ट्वाइस। ऐसे मैग्नीशियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट स्ट्रॉन्शियम फॉस्फेट जिंक फॉस्फेट मैग्नीज फॉस्फेट क्यूप्रस फॉस्फेट फेरस फॉस्फेट और लेड फॉस्फेट, इनका आप खुद घर पे बना सकते हैं, ठीक है। होमवर्क के रूप में आप बात करूं मैं त्रिसंयोजी की, त्रि में आपका एल्युमिनियम क्रोमियम फेरिक, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है यौगिकों का, मेनली एल्युमिनियम और फेरिक। देखिए एल्युमिनियम फॉस्फेट फॉस्फेट AlPO4 इसकी +3 उसकी -3 दोनों बराबर है, कट जाएंगे आपस में AlPO4 एल्युमिनियम फॉस्फेट, ऐसे बना सकते हैं फेरिक फॉस्फेट का, ठीक है। अब हमने एक संयोजी द्विसंयोजी त्रिसंयोजी एकल परमाणु घनायन का एक संयोजी द्विसंयोजी त्रिसंयोजी बहु परमाणु घनायन से संयोग करके रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाए थे, ठीक है। अब देखते हैं एक संयोजी बहु परमाणु घनायन, आपको मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था याद हो तो, अमोनियम बताया NH4 क्या है आपका? ये अमोनियम, ये एक संयोजी बहु परमाणु घनायन है, इसका कराएंगे आप
एक संयोजी बहुपरमाणु विलयन से हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसका एनएच फोर हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों ही बहुपरमाणु हैं आपके, इसकी वैलेंसी प्लस वन उसकी माइनस वन, इंटरचेंज करेंगे बराबर है तो क्या बनेगा बेटा एनएच फोर OH। ठीक ऐसे इसका अमोनियम नाइट्रेट से कर सकते हो आप लोग। ऐसे देखिए आप एक संयोजी का द्विसंयोजी से कार्बोनेट सल्फेट, देखिए एग्जाम्पल अमोनियम कार्बोनेट प्रतीक एच फोर सीओ थ्री प्लस वन माइनस टू, एन एच फोर बहुपरमाणु है, बैलेंस दो आ गई, कहाँ बंद करेंगे कोष्टक में, एनएच फोर हाइड्रोक्साइड सीओ थ्री, ऐसे अमोनियम सल्फेट का भी आप बना सकते हैं। अब देख रहे हैं आप अंतिम है आपका सूत्र का ये त्रिसंयोजी फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फेट एनएच फोर और पीओ फोर प्लस वन माइनस थ्री, एनएच फोर पर तीन आ गई आपकी, पीओ फोर भी बहुपरमाणु है लेकिन एक है, इसे हम कोष्ठक में बंद नहीं करेंगे, एनएच फोर का ऑथराइज पीओ फोर। तो ये आपके एकल संयोजी बहुपरमाणु विलयन से आपका एक संयोजी द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी से संयोग करके हमने रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाए थे। इस प्रकार आपका रासायनिक यौगिकों के निर्माण का सूत्र का जो आपका टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।